गृह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं, क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शांति की अपेक्षा करें? ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी कि अगर आप समाज जाति धर्म के आधार पर बंटवारा करें। आपको साथ में लेना पड़ेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि दो उत्तर पूर्वांचल के राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पे गोली चला रहे। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है? इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है, इन्होंने कहा था। आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है, पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं सर, बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने